ओ हम तो तेरे जैसा नहीं दिखाए, हम तो तेरे जैसा नहीं दिखाया, हम तो तेरे जैसा जब कौन गाना ओ हम तो तेरे जैसा ओ हम तो तेरे जैसा नहीं दिखाए, हम तो तेरे जैसा नहीं दिखाए Para la cara, para la cara.
क्या
Oh,
Oh,
निज मालिक के नाम सुन ले सजदे में मन में दे परखा निज मालिक के नाम सुन ले सजदे में मन में दे निज मालिक के नाम सुन ले सजदे में मन में दे परखा ओ तो धर चौधरी चौधरी है जिंदगी को निभाए समस्तीपुर में थाना पोस्ट परे है फूले रुदन में है आइए हमारे दोस्तों माताओं बहनों आज की रात आप लोग के बीच रखा गया है राजा जानल राजा नल की नाटक रखा गया हो जो भी टूटी फूटी हो बच्चा सबसे अच्छे माता देंगे जय हिंद जय भारत अब तो कहाँ था अभी हम ले रहे थे क्या ले रहे थे खड़े खड़े ले रहे थे क्या खड़े 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 ले रहे थे क्या खड़े खड़े सोच के ले रहे थे क्या सोच के ले रहे थे बताइए खड़े खड़े ले रहे थे सोच के ले रहे थे बैठ के ले रहे थे क्या बात है क्या बात कर रहे थे बोलो क्या बात कर रहा था हम कृष्ण कन्हैया का नाम ले रहे थे ओ कृष्ण भैया कन्हैया का नाम ले रहे थे ये बात पहले बता देना चाहिए बताइए जितने अभी माता एवं बहनों भाई बुजुर्गो नौजवान साथी आए हुए हैं सब यहाँ जो आए हैं उन्हीं को नाम लेने के लिए आए हैं अच्छा और ये माँ सरस्वती विदेशनाथ पाटिल धर्मिंदर चौधरी अच्छा जिनका मकान रुदौली में है समस्तीपुर है वो भी उन्हीं का नाम ले रहे हैं अच्छा वो खड़े खड़े ले अच्छा बैठ के ले हम में कौन सा गलती हुआ बताइए ओ आज तो बहुत होशियार है बहुत चलाक है बहुत चलाक है चलो बहादुर महाराज हाँ एक बात और सुनिए हाँ बोलो आपको घर में कोई घटना घट गया है कोई सा घटना नहीं घटा है आप जिस टाइम से आए उस टाइम से क्यों रो रहे थे कहाँ रो रहे थे अभी अभी थोड़ा देर पहले कहाँ यहाँ स्टेज पे रो रहे थे और क्या रो रहे थे चिल्ला रहे थे चिल्ला रहे थे और अरे ज्यादा चिल्ला नहीं रहे थे अरे मैं दस दस दफ्तर को नाम ले रहे थे कौन सा दफ्तर और कंपनी का मैं नाम ले रहे थे कौन सा दफ्तर के नाम ले रहे थे यहाँ कहीं साहब दफ्तर नहीं खुला है हेलो हेलो दस दफ्तर को नाम ले रहे थे बाबा कृष्ण लीला को नाम ले रहे थे बजरंगबली बाबा को नाम ले रहे थे माँ भगवती को नाम ले रहे थे माँ सरस्वती को नाम ले रहे थे
अच्छा एक बात और बताइए, पूरी जगह जगदंदा चौधरी उनके नाम ले रहे थे। हेलो हेलो तनी हरी हरी जितना खाएगा ना उतना ही दीजिए, क्योंकि चार दिन हो गए हैं। काम बता दीजिए और फ्रेश फ्रेश ये बताइए महाराज, भगवान को पैदा हम किए कि भगवान हमको पैदा किए? अरे हाँ भगवान को पैदा तू किए ही किया क्या भगवान अरे भगवान तो तू पैदा नहीं किया है। उठो खड़े हो, भगवान सुनो, भगवान को तू पैदा नहीं किया है, भगवान तुमको पैदा किया है और सारे संसार को। अच्छा ये बताओ, हाँ भगवान हमारा पैदा कर, हुनका पूजा के करे जाय छ? हां माप करते हैं, अनुज करते हैं, इंसान करते हैं, काहे लिए करते हैं उनका पूजा? काहे लिए करते हैं? भगवान के मंदिर में यदि बतासा चढ़ा हुआ है, हां यदि बतासा को भगवान खा जाए तो पूजा लोग करेगा? आज से सुनिए, आज से 50 साल पहले इंसान एक छठी माई को पूजा करते थे, बाबा काली का पूजा करते थे, उस समय उनका कीमत था। अभी के डेट में कहते हैं हम काली माँ की भोसी चढ़ा रहे हैं, उससे पहले इंसान मसाला को तैयारी कर लेता है। हेलो हेलो साउंड को ठीक कर दीजिए, बात कम है। चलिए ठीक है, जो भी हो ठीक हुआ। हेलो 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 देखो देखो इतना बात जो भी जब बोला है, अरे माना तो दे, नहीं तो पत्थर पता है। बात तो सही है, ठीक ना? लोग यहाँ से जाता है। चलो धर्मिंदर चौधरी को प्रचार कर रहे थे, गर्मी आ गया है तो सजा दे कि संतु कहो तगरे अरे इधर लो दस्तर, इधर इधर देखेगा कि उधर दिखता है। देखिए इधर माता एवं बहनों काका काकी बुजुर्गों मेरा भाई है, और इधर जो है ना से सब दुश्मन बैठे हुए हैं, इसलिए दुश्मन को तू यह बता रहा है पिटेंगे। और हमारे कलाकार भैया
किया है मां किया है मई मजूर की हमारी रहया लखाल हे मई जोरो जोरो गाला मल्ला का बनी तलता है भैया जोरो जोरो गाला मल्ला का बनी तलता है भैया किया है मार किया है मास किया है महिला के फलदार किया है भाई को द्वारपाल हम कुछ कह लिए हां हां हम तो कुछ न कह निकल रहा हूं मेरा सुहास जी के थोड़ा बुला कर लिया ओरी के दे रहो रह गए अपनी से सामने मोर था कर हम हमपा है जाओ ना लेट हो रहा है जाओ ना हां जाओ बुला कर लिया द्वारपाल गोर लगाओ इसलिए मुझे बुलाए हैं फैलाए झंझन ने को अरे क्या हुआ हुआ हम तोरा कला बोल तू हम हर वाली हाथ क्यों बुलाया क्यों आवाज की आवाज किया तोर घर वाली हमर मलकिनी तोरा इंतजार कर खुल हो क्या रानी साहब बुलाया है जलमाष्टमी मेला देखे देखो पैसा के दिक्कत है दिक्कत के बच्चा राजा रहते हुए पैसा का दिक्कत क्यों रहेगा चार ही लेके चल गए चलो 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 महारानी खुश रहो मैं एक बात पूछते हैं ठीक है महाराज हे तू
कहीं बाबू नहीं करे हमारा, कहीं बाबू नहीं करे हमारा, काहे देखो रहलो हे लीला। बतलाओ हाँ महाराज, दोस्त की राज रहते हुए कोई अभिधन संपद का कमी नहीं है, फिर भी मुख उदास क्यों रखते हैं? ठीक है महाराज, मैं कहकर सुनाती हूँ। कहो आहे पिता दो चार साल पहले से सोच रखा है। हाँ मैं करूँ तो क्या करूँ? मैं अपने बेटी के लिए बहुत दूर घर पर खोजा, घर मिला तो बर्बर मिला और बर्बर मिला तो घर नहीं मिला। मैं कहाँ कहाँ गया सुन लो रानी। लेकिन घर मिलता है तो बर नहीं और बर मिलता है तो घर नहीं। मैं करूं तो क्या करूं?
अब हमको विचार हुआ है, लोग भी जाते हैं जहाँ ब्रह्मा विष्णु नारद भगवान रहते हैं। हाँ हाँ ओ हाँ जा जा के नारद देव लोग मैं पूछ कर के रखते हैं कि मेरे लिए बेटी की जो विधाता ये बड़ लज्जा है कि नहीं, और देव लोग से मैं पूछ कर के आता हूँ तो बाद बाद मैं फिर कहानी कहूंगा और अपनी बेटी के लिए शादी जरूर करूंगा। मैं देव लोग से पूछ कर के आने दो। ठीक है पति देव, ठीक है जाओ जाओ महल के पास। मैं कुछ देर में पहुंच जाऊंगा और भगवान नारद से मुलाकात करूंगा और इंद्र भगवान से मुलाकात करूंगा। हेलो ये राधा मन हरि गोविंद जय हनुमान जी, अरे आप मेरे
रास्ते में कैसे आ गए? सीधे क्या आज आपका गोली बंद हो गया है क्या? सीधे अंगुली बता। ठीक है, आपको जहां जाना है जाइए, मैं जहां हमको जाना है हम जा रहे हैं। चलिए रास्ते से हटिए, जाओ जाओ जाइए। हर देवता लोग मिलेगा, मैं जाके पूछते हैं, मुझे इंद्र भगवान से मिलना है, इंद्र भगवान कहाँ मिलेगा? इंद्र भगवान कहाँ मिलेगा? इंद्र भगवान भगवान में रहते, लेकिन थोड़ा देर हमारे साथ चलिएगा। क्या मुलाकात करेगा? क्या इंद्र भगवान है कि नारद भगवान? सारू सारू कौन सी की कथा है? सारू मरू का मतलब हमारा साली से उसे को नारद बाबा को नारद बाबा ब्याह करता है रे ना तू हिजरा कर। चलो चलो नारद बाबा, मैं तुझे ऐसा श्राप दे दूंगा कि तुम चल के चार दिन से शराब देकर हमर काया बन चल आ चार दिन से एको बोतल शराब ना पियो हमरा बुझाई है कि गांव में सब पर शराब रहत है। वो पीने वाला शराब नहीं तो भुइया में उसे लगा दो। मैं तुझे ऐसा सुभाग दे दूंगा कि आंख से टोक और काया से निरोग कर दो। ए दर पर छोड़ो छोड़ो मुझे बात करने दो कुछ। लगियो पैया तो परियो बाबा बात क्या है बच्चा? बहुए हूँ दू मारे थकाए है क्यों? मैं अपना दुख न सुनाऊंगा तो बाबा कैसे जानेगा मेरे दुख को? सुन लीजिए मैं किस कारण से आए है। चल चलाओ Thank you.
मुझे बेटे देवन की जवान हो चुका है, उसको लिए पूरी पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों कोना घुराया। घर मिला तो बर नहीं, बर मिलता है तो घर नहीं। मैं बहुरहिता में हूँ, मेरे बेटी कुमार है, मेरे आँख के सामने आग का ढेला बना हुआ है। मेरा देख करके बहुत हुरन होता है बाबा, मुझे बेटी का लिए एक दुनिया में देवलोक से मृत लोक तक क्या ब्रह्मा जी बड़ बनाया है कि नहीं, यही बात कुछ निकले आए। इसी बात के लिए आप देवलोक चले। हाँ 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 सुनिए, हाँ ये बताइए आपका घर कहाँ, आपका नाम क्या है? मेरा गांव और घर नाम जरूर बतलाऊंगा बाबा। बाबा आहो भीमपुरा नगरिया बाबा, बाबा मैं भीमपुर की रहने वाले भीम सिंह मेरा नाम है। और जो बात पहले भी बताए हैं, मैं अपने बेटी के लिए घर बार के लिए मैं भटक रहा हूँ। इतनी छोटी सी बात के लिए देवलोक से मैं करूँ तो क्या करूँ? मैं मृत्यु लोक में चारों कोना घुराया, स्मरण करते तो मैं खुद भी पहुंच जाता। अच्छा हुआ कि रास्ते में भेद हो गया। हाँ हाँ, इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। ये महारानी के लिए चुटकी का क्या चुटकी का खेल है? और क्या क्या आने की बात दिमाग खुल गया। जब कह रहे हैं चुटकी का खेल है तो बताइए क्या करना होगा? ठीक है, बताऊंगा नहीं तो आप समझेंगे कैसे? समझूंगा बाबा, इसलिए आप यहाँ से फौरन अपने नगर को जाइए और देश में खबर भिजवा दीजिए और बाबू भीम से अपने भीमपुर में अपनी बेटी शशि देवंती के लिए स्वयं रहता रहे। इसलिए सभी राज के राजा महाराजा आकर सेवा सुंदर बढ़ावे। क्या देवलोक लोग से मेरे ऑर्डर हुआ जाके दरवाजे पर मैं सोमवार लगा और सोमवार में बढ़ जाएगा। हाँ हाँ, देवलोक को खबर करना मेरा काम रहा। एक बात याद आ गया, आओ चला
राजा जनक जी सुख रखे थे दरवाजा पर, तो धनुष का रखा था, जो वीर में धनुष का खंडन करेगा उसी का साथ सीता का दुर्गम होगा। लेकिन मेरे साथ में तो कोई चेल नहीं है, मैं क्या चेल लगा के सो सकता हूँ? क्या करने की कोई बात नहीं है, हमारे पास सब बात का सब उपाय है। क्या उपाय है? मैं देता हूँ जय माला, जय माला, और घर से लेके जाओ और शशि देवंती के हाथ में दे देना, और स्वयं पर जब लग जाएगा।